शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर का लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को पूरा होने वाला है। ऐसे में लॉकडाउन का अगला पांचवा चरण कैसा होगा और क्या नई सरकार की गाइडलाइन शहर के जनता के लिए कितनी उपयोगी होगी, इस बारे में मनपा के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी इन्होंने जानकारी दी है। कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ने से शहर भर में लॉकडाउन के अब तक के चार चरण आने वाले 31 मई को पूरा होने जा रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन के पांचवें चरण में राज्य सरकार का नया क्या आदेश होगा या लोगों के लिए नई गाइडलाइन क्या होगी, इसकी उत्सुकता अभी भी शहर के जनता के बीच बनी हुई है। चौथे चरण में सरकार ने थोड़ी शिथिलता जरूर रखी थी, जिससे लोगों को अपने कामकाज करने में आसानी हुई थी। इसी दौरान शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 500 से भी ज्यादा की हो गई थी, जिसके बाद मनपा प्रशासन द्वारा कई परिसर को सील भी किया गया था। शहर के कई बस्तियां बैरिकेटिंग से दिखाई दे रही थी। सब्जी मंडी खुलने से मार्केट में लोगों की भीड़ भी नजर आई थी। कहीं पालन तो कहीं उल्लंघन भी हो रहा था और आज भी हो रहा है। ऐसे में लॉकडाउन का पांचवा चरण लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, इस बारे में जब हमने मनपा के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी इनसे जानना चाहा, तो उन्होंने इस बारे में सरकार की ओर से अब तक लॉकडाउन का पांचवा चरण के बारे में जानकारी दी। दर्शकों, इस समय में इनबीसीएन की टीम मनपा के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी साहब के चेम्बर में है। उनसे ये जानना चाहेंगे कि 31 मई को चौथा लॉकडाउन खत्म होने को है, ऐसे में पांचवा लॉकडाउन जो शुरू होगा तो क्या गाइडलाइन सरकार की ओर से उन्हें मिले हैं या मनपा प्रशासन क्या करने वाली है। आइए सीधी बात करते हैं उन्हीं से। जोशी साहब, ये बताएं कि जिस तरह से लॉकडाउन का चौथा चरण पूरी तरह से खत्म होने को है, पांचवा चरण अभी शुरू होगा, क्या सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन आपको आई हुई है क्या, या मनपा प्रशासन द्वारा कौन सा कामकाज पांचवे लॉकडाउन को लेके होने वाला है, क्या कोई दिशा निर्देश नागरिकों के लिए है क्या? सबसे पहले तो मैं चौथा जो लॉकडाउन है वो 31 मई को ख़त्म हो रहा है। चौथे लॉकडाउन तक नागरिकों ने बहुत अच्छा सहयोग प्रशासन को दिया हुआ है, उसके कारण हम लोग काफ़ी कंट्रोल में ये शहर रख सके हैं। पांचवे लॉकडाउन के लिए जो 1 तारीख से अपेक्षित है, उसके लिए जो भी हमें सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आएंगी, उस तरह हम आगे जाने वाले हैं। अभी वो गाइडलाइंस आने की है। मनपा के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी जी के कक्ष से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर। जैसे कि हम आपको बता दें कि 31 तारीख के बाद क्या होगा, चौथा चरण खत्म होने को है, पांचवा जो चरण शुरू होगा, क्या सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन आई है क्या, इस पर उन्होंने खुल के जवाब देते हुए ये कहा कि जैसे पांचवा चरण शुरू होगा, गाइडलाइन जैसी आ जाएगी, हम जनता को पूरी तरह से आश्वस्त करते हुए वो तमाम पहलुओं पर रोशनी जरूर डालेंगे। इस तरह की कई बातों को लेकर आज अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी जी, ये इन्होंने इनबीसीएन के समक्ष बात की है। मनपा के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी जी के कक्ष से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।